जी तो गाइज, आपका भाई, आपका दोस्त, आपका मेज़बान आकाश यानी आशु, मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। तो गाइज, आज है संडे यानी फंडे। तो अभी अभी आपका भाई सो के उठा है और मुझे भूख लगी थी, तो मैंने सोचा क्यों ना बाहर कुछ खाने चलें और आपको भी साथ ले चलते हैं, ताकि आप लोग भी देख लें कि भाई क्या खाएगा, बल्कि आप लोग भी आएगा वहाँ पे ज़रूर। और इसके बाद फिर हम नाश्ते के बाद जाएंगे गुरुद्वारा, क्योंकि आज मैं सियालकोट में ही गुरुद्वारा, मैं चाह रहा था कि आप लोगों को दिखाऊं और इसके बारे में बताऊं, क्योंकि बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं। तो पाकिस्तान की हिस्ट्री से तो कोई लोग वाकिफ़ ही नहीं है, ना इंटरेस्ट दिखाते हैं, बट आपका भाई एक छोटी सी कोशिश कर रहा है, हो सकता है आपको पसंद आ जाए। तो चलें चलते हैं उधर, और ज़रा उससे पहले आपका भाई तैयार हो जाए, तो फिर मिलते हैं बाहर। जी तो गाइस, आपका भाई तैयार हो चुका है और नाश्ते के लिए निकलने लगा है, मगर अकेले नाश्ता करने में तो मज़ा नहीं आएगा ना, तो चलो दोस्त को बुलाते हैं। 3 2 1। तो ये काली मेरे साथ आ चुका है, थोड़ी इससे बात कर लेते हैं तो फिर निकलते हैं। जी तो काली, कुछ बताएं। तो चलें, आज का व्लॉग शुरू हो चुका है, इंजॉय करेंगे। उम्मीद करते हैं आप इस वीडियो को देख के इंजॉय करेंगे, सफ़र का आगाज करते हैं, लेट्स गो। चलें मिलते हैं फिर। इस टाइम हम यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं हलीम खाने के लिए, और यहाँ पे सारे अपने ही हमें मिल चुके हैं, ये देखें। और अब इन लोगों से बात करते हैं कि ये लोग इंतज़ार कर रहे हैं हलीम का, तो किस शिद्दत से कर रहे हैं इंतज़ार, ये इनसे पूछते हैं बात करके। चल बताओ, ये देखो ये तो पहली बार आ गया है, दूसरे से पूछते हैं। हाँ जी गालू बताओ। हलीम का इंतज़ार कर रहा हूँ मैं, बस देखो ऐसी शक्लें इंतज़ार कर रही है बेचारा। देखो इधर भी बैठे हैं, इधर तो आ गई है, ये लोग खा रहे हैं, तो अब हम भी बस खाते हैं। बाबा जी हलीम से, मतलब हलीम और नान खा लिए, और चले इनसे थोड़ी सी बात करते हैं, तो ये बताते हैं आपको। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है सबका? मेरे ख्याल से खैर से होंगे आप सब, और मैं इतना ही कहूँगा कि भाई को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इनको और मज़ीद बोलिए आगे बढ़ाएं। तो आपने जब भी सियालकोट आना है तो आपने लाजमी बाबा जी हलीम पे आके नाश्ता तो ज़रूर करना। तो ये देखें मुझे मेरे अजीज मिल गए, इनसे पूछते हैं यहाँ का भाई, बताएं थोड़ा इसके बारे में। यार मैं भी तकरीबन 3-4 साल से इन भाई साहब के पास आ रहा हूँ, तो बहुत अच्छा है, इन्होंने क्वालिटी और क्वांटिटी जो है वो बड़ी ज़बरदस्त मेंटेन की हुई है, तो हमारी बड़ी मोहब्बत है भाई साहब से। हम इनके कारोबार में बरकत के लिए दुआ करते हैं, और आपसे भी हम लोग दरख्वास्त करते हैं कि लाजमी आप इनको विज़िट करें। ज़रूर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जी तो गाइस, इस टाइम अभी हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे, ये जो बाबा दी बेरी गुरुद्वारा है, तो आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं और भाई से बात भी करते हैं, इसकी डिटेल बताते हैं।
तो गाइस जैसा कि आप सब देख सकते हैं इस टाइम हम मौजूद हैं यहाँ पे गुरुद्वारे के अंदर, तो हमारे साथ भाई भी मौजूद हैं, तो ये आपको इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे और आपको बताएंगे कि क्या इसकी हिस्ट्री है। तो चले हम इनसे बात करते हैं और पूछते हैं थोड़ा सा इस साइड पर आते हैं। हाँ जी पंजाब जी जी बताइए। सर एक गुरुद्वारा साढ़ा बाबे जी बेहर सियालकोट साहब जी जी, तो इस गुरुद्वारे की हिस्ट्री है वा कि इस गुरुद्वारा साहब 1517 सियालकोट शहर के 1517 च एक अरब तो पीर आए थे, अरब शहर जो अजकल है उतों पीर आए थे, पीर हमजा बोस। अच्छा जी। उन्होंने एक बार दरबार है जिते उन्होंने बैठ के अपना जो श्री अपना इस्लाम का प्रचार करना शुरू किया। जो दरबार कह लो उत्थे बैठ के ना बंदगी करनी करनी बंद करनी शुरू करती रख दी। तो इतने एक परिवार से जिन्होंने घर ना एक फैमिली सी जी जी, उन्होंने घर औलाद नहीं हो रही। अच्छा अच्छा। उन्होंने विह में कई साल लंघे, पर किसी ने कहा कि इतने एक फकीर ने फिर हमला बहुत दस उन्होंने कि तुम उन्होंने दरबार से जाओ, उत्थे जाके जो भी जवाब मांगते हैं ना लोग पूरी हो जाती है। ठीक हो। वो जो फिर फैमिली उत्थे गई तो उसे जाके कहने लगे कि पीर जी साढ़े घर औलाद नहीं हो रही, तुम रब अगर दुआ करो साढ़े औलाद हो जाए, कि तुम जो भी मंगोगे ना अभी थोड़ा देवे। ठीक है। हमला बस कह लगे चलो ठीक है मैं रब अगर दुआ करा, पर शर्त है कि जो पहला बच्चा होएगा ना वो तुम मैं देकर जाना। ठीक है। मतलब जो बाकी होगा तुम रख लियो। ठीक हो। पर जो पहला होगा तुम मैं देकर जाना, जो दूसरा होगा तुम मैं देकर जाना। पर जो फैमिली से कहें कि चलो ठीक है अभी थोड़ा पहला बच्चा देकर जावे। पर कुछ टाइम बाद जो घर पहला बच्चा होया तो उन्होंने जारी गल है कि कई साल बाद अपने बच्चे मूँह देखा अपनी गल तो मुकर, तो उन्होंने कहा कि साडा बच्चा सानू प्यारा है तो असं नहीं दे सकते, तुम दूसरा रख लो। और दूसरे बारे कह तीसरा रख लो, इदा ही लारे लाते लाते कई साल लंघ गए, वादे तो मुकर गए। वादे तो मुकर गए। फिर हमदा बस जोड़े थे वह कहते कि जो सियालकोट शहर है ये झूठिया का शहर है, लोग अपना वादा नहीं पूरा करते, तो मैं पूरा शहर जो तबाह कर देना। ठीक। तो मैं 40 का चिल्ला कटागा जिस दे विच सियालकोट शहर तबाह हो जाएगा। तो चिले के दौरान ना मैं कुछ खाना ना कुछ पीना ना मैं बाहर आगे सूरज की रोशनी देखनी है, बस एक कमरे च बैठ के जो मैं चिल्ला कटना है। तो उन्होंने अपना अंदर बैठ के चिल्ला कटना शुरू कर दिता, क्योंकि वह पहुँचे हुए पीर से उन्होंने रिद्धिया शिद्धि मालक से पीर हमदा बोस। तो सियालकोट के जो लोग मुसीबत आनी शुरू हो गई, तकलीफ आनी शुरू हो गई। तो बाहर एक दरखत है बेगदा, तो उस बेग से लैके श्री गुरु नानक देव जी जो पहले गुरु ने उत्थे आकर बैठे हुए थे, नाल भाई मरदाना जी बैठे हुए सनासन लाया सीगा। तो जो उन्होंने लोगों को पता चलिया कि श्री गुरु नानक देव जी इतने आए हैं जी जी, तो इन्होंने सियालकोट के लोगों ने आके महाराज जी ने दसिया कि सानू जो इतने एक पीर ने जो कि तबाह करना चाहते हैं, तो सानू जो बचा लो। तो फिर श्री गुरु नानक देव जी ने भाई मरदाना जी जो साथी से उन्होंने घलिया कि जाके तुम पीर हमदा को उस दरबार से जाओ, तो उन्होंने कहो कि जो चिल्ला कट रहे हो ये तरह लोगों को नुकसान पहुँच रहा, तो जरा अपना बंद कर दो चिल्ला कटना। पर जो भाई मरदाना जी ने दरबार से गए तो पीर जी के कहने के मुताबिक किसी को अंदर आने की इजाजत नहीं थी, तो भाई मरदाना जी बार बार वापस आ गए। फिर जिस टाइम वापस आ गए तो फिर महाराज जी ने आप इतने खड़े होकर शराब अगर अरदास की, जिस वे अरदास की जिस गुंबद थले बैठ के चिल्ला कट रहे सन वो गुंबद तो फट गया, तो सूरज की जी किरण से उन्होंने जो मूँह से पी उन्होंने अखा खुल गई, एक सुराख हो गया से सूरज दिन किरण उन्हें अखा खुल गई, जो यकदम अखा रोशनी पी तो उन्होंने अखा खुल गई सीढ़ा चिल्ला से टुट गया। तो वो जी जगह है हाले भी उसी तरह है, उतो टुटी हुई हाले तक बनाई नहीं किसी ने। ठीक। तो फिर जो उन्होंने चिल्ला टुटिया फिर उन्होंने पूछा कि मेरा चिल्ला किन्ने तोड़िया, तो जो बाहर मतलब मरीज से फकीर जो दूसरे लोग उन्होंने कहा कि इतने एक नानक नाम का फकीर आया तो उन्होंने थोड़ा चिल्ला तोड़िया। तो फिर उन्होंने को पुछण वास्ते सबेरे थे लिया पीर हमदा बोस, आओ तुम बहुत बेर दर्शन भी करा देने। तो गैस जैसे कि आप लोगों ने हिस्ट्री सारी जान ली होगी, इसके बाद आपको थोड़ा सा यहाँ का व्यू कराते हैं, उसके बाद बाहर आपको बेरी का दरख्त दिखाते हैं और अपने भाई से थोड़ी बहुत बात करते हैं। तो चलें चलते हैं फिर, आप तब तक व्यू देखें। Thank you.
जी तो गाइज इस टाइम अभी हम दीवाना स्थान से बाहर आ चुके हैं और अभी हम जा रहे हैं बेरी का दरख्त आपको दिखाने, जिस दरख्त के बारे में आपको मेरे भाई ने बताया था कि उधर गुरु नानक साहब ने आके स्टे किया, उन्होंने दुआ की और उसके बाद सब। तो चलें आपको वहाँ लेके चलते हैं तो और साथ साथ आपको दिखाते हैं गुरुद्वारा। गाइस देख सकते हैं जैसा कि आप सब अभी हम ये बैरी के दरख्त के पास आ गए हैं, तो इसके बारे में जैसा कि आपको भाई ने बताया था, तो अगर आप और थोड़ा सा हमें इसके बारे में बता दें कितने साल पुराना है। और बैरी तकरीबन 550 साल तो उठते हैं, 600 साल पुरानी होएगी बैरी चाय तकरीबन। और इसी बैरी के दरख्त के नीचे गुरु नानक उन्होंने बह के मतलब दुआ की थी। तो गाइस इस टाइम अभी हम मौजूद हैं पीर हमज़ा गौस के मज़ार के बाहर, जैसा कि आपको भाई ने बताया था, तो हमने कहा आपको ये भी विज़िट करा दें। इस टाइम हम अभी उसके बाहर खड़े हैं, अंदर तो नहीं जा सकते, बट आपने हिस्ट्री सारी जान ली होगी। तो ये वो मज़ार है और ये उनका मज़ार है पीर हमज़ा गौस का, जिन्हों के बारे में हमें भाई बता रहे थे। तो चलें गाइस, अगर आपको ये व्लॉग भी पसंद आया तो इसके लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो इसी तरह और एक्सप्लोर करना चाहते हैं अगर सिटी को हमारे साथ, तो भाई को ज़रूर शेयर करें चैनल को और सब्सक्राइब करें। चलें मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। अब आपका भाई घर जा रहा है, तो चले मिलते हैं, बाय बाय।